फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं फ्रेंड इस टॉपिक पे बात करूंगा। आप एजेंट के पास जाते हो, पहले डॉक्यूमेंट्स दें, पहले पैसा दें, अदरवाइज पहले पैसा कभी नहीं देना चाहिए एजेंट को। आप दे दीजिए, सर एजेंट बोले, आरपीएसएल कोई एजेंट बोले, भैया 15 से 20 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, पैसा मांगे 15-20 हज़ार, पैसा मांग रहा है 100% वो फेक है, ठीक है। कभी भी एजेंट जो आरपीएसएल एजेंट बढ़िया एजेंट होता है, कभी पैसा नहीं मांगता। पहले आपको CDC पासपोर्ट जमा करा लेता है, जब आपकी फ्लाइट टिकट वीज़ा सब आ जाए, जब कॉन्टैक्ट लेटर साइन करना होता है, तब आपको पैसा देना होता है। पहले कभी भी आप लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट है, कभी भी पैसा न दें, CDC पासपोर्ट दें। 15 दिन का टाइम दे आपको, 15 दिन का ओके सर, कदम मैं 15 दिन वेट करूँगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स दे देना उसको 15 दिन बाद, बस 5 दिन और देखना उसके बाद। जैसे आप हम एग्जाम्पल, जैसे 1 जनवरी को आपको उसको डॉक्यूमेंट दिया, 15 जनवरी तक मैं करवा दूँगा, ठीक, 15 जनवरी तक वेट करो, फिर +5 कर दो और 20 दिन, 20वें दिन जाओ, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स ला दीजिए, बस। कभी भी पैसा मत दो, पैसा दे दोगे हमेशा पैसा फंस जाएगा। CDC पासपोर्ट दोगे कभी फंसेगा नहीं, ठीक है। और वो भी अच्छे एजेंट को देना। कभी एजेंट जान दो क्या करते हैं, पासपोर्ट CDC भी रख लेते हैं, तुमको टहलाया करेंगे, घुमाया करेंगे। अभी तुम्हारा प्लेसमेंट होने वाला है, तुम्हारा वीज़ा आने वाला, मांगोगे वीज़ा कितने का होता है, 13-14-15 हज़ार का होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। मांगोगे तुमसे 30-35 हज़ार रुपये का डिमांड कर दो, तब तुम्हारा CDC पासवर्ड दें। नहीं, पहले जब देना तब बात कर लेना, ठीक है सर मैं 16वें दिन लेने आऊँगा, 100% तुमको लिखवा लेना है स्टाम्प पेपर पे, मैं ले जाऊँगा, मेरा 15 दिन का करवा दोगे उसके बाद पैसा देंगे, ठीक है। यही करना, यही फंडा फॉलो करोगे तभी फेक एजेंट से बच पाओगे, ना तो बच नहीं पाओगे, ठीक है फ्रेंड। मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत भाई यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो मेरे चैनल को, ज़्यादा से शेयर करो। अब जो इस वीडियो में कमेंट करेंगे मैं उसमें ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड मैं इस समय बेलापुर में मुंबई में हूँ, कोई फ्रेंड मिलना चाहते हैं आके मुझसे मिल सकता है, इस समय बेलापुर में हूँ, अभी लगभग समथिंग मैं बेलापुर में रुकूँगा, 15 से 20 दिन यहाँ पर रुकूँगा, ठीक है फ्रेंड। मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।